तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है कि चार्ज फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस आर। एक हम लोग के पास रेजिस्टेंस है, चलो ये रेजिस्टेंस है हम लोग के पास आर, इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, ये रेजिस्टेंस आर है और इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, उसकी वैल्यू ए टी और माइनस बी टी स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। चार्ज फ्लोइंग ऐसे हमें दिया हुआ है, कहता है ए बी पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, हीट फ्लो थ्रू द आर, मतलब आर के थ्रू हीट हमें निकालना है। ये अक्सर ये जो क्वेश्चन है वो अगर मैं पढ़ाता हूँ मेडिकल वालों को तो अक्सर बच्चों ये डाउट में आता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज़ है और बच्चे समझ नहीं पाते हैं और वो परेशान रहते हैं। कहीं सलूशन देखोगे तो सब एक दूसरे का छापे पड़े हैं, बट इधर रियलिटी सलूशन क्या है वो मैं तुम्हें अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं इसको हीट फ्लो का कॉन्सेप्ट देखूँ तो हीट फ्लो एच इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, आई स्क्वायर आर टी। ये लेकिन ये कब प्यारे बच्चों लगता है, जब आई कांस्टेंट होती है, करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तब ये वाला सलूशन मैं लगाता हूँ। लेकिन क्या अभी करंट की वैल्यू कांस्टेंट है? नहीं, चलो निकाल के देख लेते हैं। तो करंट आई इज इक्वल टू डी क्यू अपान डी टी होता है, करंट आई इज इक्वल टू डी क्यू। इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ टाइम के रिस्पेक्ट में तो ए माइनस टू बी और टी ये आ जाएगा, दैट इज फाइनली मुझे करंट मिलेगा ए माइनस टू बी टी, दिस इज द करेंट। अब जो करेंट है वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो मैं तो इसको डायरेक्ट लगाऊंगा नहीं भाई, ठीक है। तो अब तरीका क्या होता है, जब करेंट वेरिएबल होती है तो स्मॉल हीट डी एच निकालते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इन स्मॉल टाइम आई स्क्वायर आर और ये टाइम डी टी, ठीक है। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट हमने कैलकुलेट कर लिया, अब इसको प्रॉपर लिमिट लगा के मैं इंटीग्रेट करूंगा तब ये जाके मेरा सोल्यूशन बनेगा। लिमिट निकालने में बच्चों को यहाँ दिक्कत आती है, ठीक है। तो जब टाइम जीरो था, एक तो लिमिट यही हो जाएगा, जब टाइम जीरो था तो हीट जनरेट क्या थी, जीरो थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम देखो लिमिट, यहाँ देखो जब टाइम जो जब टाइम जीरो है, ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। तो जब टाइम जीरो है तो हीट प्रोड्यूस भी तो जीरो ही आएगी भाई। तो एक तो लिमिट यहाँ से मुझे मिल गया, दूसरा अपर लिमिट। अपर लिमिट में देखो हमें कितने टाइम तक करंट फ्लो हुई है, तो अगर मैं अपर लिमिट निकालूँ तो देखो, पहले अपर लिमिट निकालने के लिए मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ कि ये जो ये इक्वेशन है, एक रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रही है, नो डाउट करंट फ्लो हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, बट करंट कब तक फ्लो होगी, क्या इनफाइनाइट टाइम तक फ्लो हो रही है? तो चलो देख लेते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस आर है, इसमें करंट की वैल्यू फ्लो हो रही है, करंट की वैल्यू जैसे टाइम पास हो रहा है, टाइम बीत रहा है, टाइम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे करंट की वैल्यू आई, करंट की वैल्यू आई जो है वो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, देख रहे हो भाई। अब एक रेजिस्टेंस है उसमें हमने करंट लगा दिया, टाइम बीतेगा, टाइम जीरो से आगे बढ़ेगा, टाइम तो हमारा कंट्रोल नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किसी पर डिपेंड ही नहीं है, ऑटोमेटिकली टाइम की वैल्यू बढ़ रही है। तो टाइम की वैल्यू बढ़ रही है तो हीट की वैल्यू जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे हीट इंक्रीज हो रहा होगा, लेकिन करंट की वैल्यू यहाँ से देखो, यहाँ से करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ये वाला जो मतलब वैल्यू है वो बढ़ेगी। टाइम की वैल्यू अगर बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू कम होगी, करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, मतलब करंट की वैल्यू कम होगी, कम होते होते ऐसा पॉसिबल होगा कि एक खास टाइम पे करंट की वैल्यू जीरो हो जाए। तो मैं ये देख लूँ कितने टाइम तक करंट फ्लो हुई, कितने टाइम तक करंट फ्लो हुई जब फाइनल करंट जीरो हो गया, तभी तक तो हीट फ्लो जनरेट हुआ होगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि इसका ग्राफ बना दो, इसका अगर ग्राफ बनाओगे आई इज इक्वल टू ए माइनस टू बी टी, तो आई इज इक्वल टू ए माइनस टू बी टी अगर ग्राफ बनाओगे टाइम और आई में, देखो टाइम और आई में ग्राफ बनाओगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और स्लोप निगेटिव है, ऐसे वाली स्ट्रेट लाइन, देख रहे हो। जब यहाँ पे टाइम की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे करंट की वैल्यू जीरो नहीं है भाई, करंट की वैल्यू जीरो थोड़ी है, टाइम की जीरो, करंट की वैल्यू ये वाली ए है, ठीक है। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ऐसे खास टाइम टी टाइम बाद जो करंट की वैल्यू है बच्चों वो हो चुकी है जीरो, ठीक है।
अब जब करंट ही जीरो हो जाएगा तो हीट प्रोड्यूस जीरो हो जाएगा भाई, ये टाइम हो या करंट हो इसमें से एक जीरो हो गया तो हीट प्रोड्यूस जीरो हो जाएगी यार। तो हमें वो निकाल लेते हैं कि कितने टाइम, ये जो टाइम टी है ये इसका अपर लिमिट हो गया, ये कितने टाइम तक करंट फ्लो हुई है जब 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 फाइनली वो जीरो हो गया है। तो वो वाली मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लूँ, तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मैं वो टाइम करंट की वैल्यू जीरो हो गया और ए माइनस टू बी टी, तो टाइम टी की वैल्यू आ जाएगी ए बाई टू बी। तो ए बाई टू बी वह स्पेशल टाइम है जब करंट की वैल्यू जीरो हो चुकी है, ठीक है, और मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस जो भी जनरेट होना होगा वो हो चुका होगा, समझ रहे हो बात को भाई। मैंने 10 मिनट तक फ्लो कराया, 10 मिनट बाद करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस जीरो हो चुका, तो जो एच अमाउंट हीट था, जो एच अमाउंट हीट था मिलना, वो मिल चुका मेरे भाई का, ठीक है। चलो तो फाइनली ये अपर लिमिट मैं लगा दूं, तो वो अपर लिमिट अगर मैं लगाऊं तो हीट जनरेटेड एच और टाइम बीत चुका है टी, और इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके लाए हैं ए अपॉन टू बी, दिस इज द फाइनल इक्वेशन। अब तो भाई छोटा सा बच्चा भी कर लेगा, समझने वाली चीज़ तो ये थी। तो फाइनली अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हीट जनरेटेड आ जाएगा, इधर आ जाएगा एच, और फाइनली इधर हम लोगों को मिलेगा आई स्क्वायर डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में। ये टाइम के रिस्पेक्टिव अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो फाइनली हाँ जो मिलता है करंट की वैल्यू हम लोग पहले ही इधर निकाल लिए हैं, देखो करंट ए माइनस टू बी, इधर देखो करंट की वैल्यू यहाँ पे ए माइनस टू बी टी, ये करंट यहाँ पर मैं डाल दूँ तो यहाँ से ए माइनस टू बी टी का स्क्वायर रजिस्टेंस आर टाइम डी टी और लिमिट गया जीरो टू 0 टू a अपॉन टू बी, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। अब इसको और सॉल्व कर लो बेहतर तरीके से, यही हमें सोल्यूशन देगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ a प्लस r तो कॉमन आ गया, और यहाँ से मिलेगा हम लोग को ए स्क्वायर और माइनस ये आ जाएगा 4 बी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस 4 ए बी टी, और ये आ जाएगा डी टी डी टी इंटीग्रेशन और 0 टू टाइम की लिमिट टी इज इक्वल टू ए बाई टू बी, ठीक है। अब ये इसको इंटीग्रेट करके लिमिट रख देते हैं, तो चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। तो फाइनली अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ से r और ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन ए स्क्वायर टी माइनस 4 बी स्क्वायर और इसका t की पावर 3 और डिवाइडेड बाई 3 इंटीग्रेशन माइनस 4 ए बी और टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और मैं लिमिट डाल दूँ इसमें 0 टू ए बाई टू बी, ये फाइनली अगर मैं लिमिट डाल दूँ तो फाइनली अगर मैं लिमिट डालता हूँ तो r और यहाँ से ए स्क्वायर मेरे पास पहले था t की वैल्यू डाल दो, t इज इक्वल टू 0 रखोगे तो सब उधर 0 आ जाएगा, इसको रखने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ रख देता हूँ तो ये आ जाएगा a अपॉन 2 बी माइनस 4 बी स्क्वायर अपॉन 3 और ये इसका क्यू करोगे तो a की पावर क्यू और यह आ जाएगा 8 बी की पावर क्यू, ठीक है, और माइनस 4 यहाँ से और a और b डिवाइडेड बाई 2 और a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 बी स्क्वायर, दिस इज द फाइनल लिमिट। और t इक्वल टू 0 रखोगे तो सब 0 हो गया। अब देखो यहाँ से जो कटता है काट लो, जो कॉमन मिलता है उसको ले लो, तो फाइनली यहाँ से मुझे ए ए ए क्यू यहाँ भी है, ए क्यू यहाँ भी, ए क्यू यहाँ भी है, तो आर ए क्यू यहाँ से कॉमन हो गया और डिवाइडेड बाई यहाँ बी है तो यहाँ बी भी मैंने कॉमन ले लिया, तो फाइनली देखो ए क्यू और बी कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 1/2, ठीक है, और एक बी ने एक बी यहाँ से ख़त्म कर दिया और ये बी इधर आ गया और ये 2 टाइम्स कट गया तो यह जाएगा माइनस 1/6 और ये 4 ने 4 को कट दिया और एक क्यू इधर से आ गया और एक बी कट गया और बी इधर आ गया तो फाइनली हम लोगों को मिल गया माइनस 1/2, ठीक है। तो माइनस 1/2 ने माइनस 1/2 को ख़त्म कर दिया, माइनस 1/2 माइनस 1/2 को हमने ख़त्म कर दिया और माइनस ये एक्चुअली बच्चों प्लस आएगा ना, तो ये प्लस आएगा, ठीक है, a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर किया हूँ तो फाइनली r
ए की पावर क्यू डिवाइडेड बाई 6b इज द फाइनल सोल्यूशन, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत बच्चों को डाउट आता है, और कहाँ डाउट आता है वो यहाँ लिमिट समझने में।